महत्वपूर्ण निर्णय था। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए अशांति थी, उसके क्रोध की ज्वाला आग के लपटों का भयंकर रूप धारण कर गई और उग्रवाद अब आतंकवाद में परिवर्तित हो गया। हरी सिंह के द्वारा किए गए साइन हमें मंजूर नहीं है, बिना जनमत संग्रह के साइन किए गए हैं। अग्रीमेंट पर साइन हो चुके हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिजेक्टिंग इट। हाँ, जनमत संग्रह पर हम विचार करेंगे। जनमत संग्रह के लिए दोनों पक्षों को आमने सामने होना चाहिए। माउंटबेटन दिल्ली पहुंचकर लाहौर से जिन्ना के द्वारा बुलाए जाने और जम्मू कश्मीर के जनमत संग्रह के बारे में बताते हैं। जिन्ना की तरफ से नेहरू जी, आपको लाहौर के लिए इनविटेशन आया है। जी, लेकिन मैं पूर्णतया अस्वस्थ हूँ, नहीं जा सकता। कबाइलियों को बुलाकर पाकिस्तान ने कौन सा न्यायपूर्ण कार्य किया है जो जनमत संग्रह के लिए हमें लाहौर बुलाया जा रहा है? जूनागढ़ में, हैदराबाद में कौन सा प्रशंसनीय कार्य किया गया है? प्रारंभ से अब तक प्रत्येक निंदनीय कार्य को हम सहन कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम झुक रहे हैं, हम असमर्थ हैं। हम किसी जनमत संग्रह के लिए लाहौर नहीं जाएंगे। मेरी राय में हमें जनमत संग्रह करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे एग्रीमेंट की एक शर्त है। जनमत संग्रह के लिए शांतिप्रद स्थिति होने पर विचार कर सकते हैं। कश्मीर की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, तो ऐसे में वहाँ नए आर्टिकल की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ पूर्ण संविधान लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह संविधान लागू करना सर्वथा उपयुक्त होगा। शेख, हम तुम पर विश्वास रखते हैं, इसलिए कर्ण सिंह के साथ मिलकर तुम जम्मू कश्मीर का राज्य संभालो। तुम्हें ये भारतीय संघ से विशेष दर्जा मिला है और आंतरिक स्वायत्तता स्थापित की गई। यह तीनों अधिकार क्षेत्र हैं, रक्षा, विदेश मामले और संचार। इसमें तो धारा 370 नहीं है, इसमें तो आपने महाराजा हरि सिंह के विषय में बताना है। मैम, तो आर्टिकल 370 क्या है? ठीक है, तो मैं पहले आर्टिकल 370 के बारे में ही बताती हूँ। संविधान की धारा 370 के अनुसार भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों, रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को धारा 371 के खंड एक के तहत राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। इन अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिले। 1951 में राज्य को संविधान सभा अलग से बुलाने की अनुमति दी गई। संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1951 को हुई थी। जम्मू एवं कश्मीर के संविधान को बनाने में कुल 5 वर्ष का समय लगा। नवंबर 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। तुम सबको आर्टिकल 370 समझ आ गया होगा, अब मैं आगे बताती हूँ। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का पीएम बनाया गया। शेख अब्दुल्ला के पीएम बनने पर स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी महाराजा हरि सिंह जी के समय में थी, परंतु आतंकवाद, आगजनी, लूटपाट की खबरें कश्मीर के लिए विषैले सांप के रूप में थी, जिसका जहरीलापन सभी को डस रहा था। यूनाइटेड नेशन से नेहरू को बहुत उम्मीद थी, परंतु वहां से भी सीज फायर हाथ लगा।
शासन लगा हुआ था, इसलिए इसकी मंजूरी के बिना ही राष्ट्रपति के आदेश से यह आर्टिकल हट गया। मैम, क्या इससे पहले इसे हटाने के प्रयास नहीं किए गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसे हटाने की मांग तो होती रही, परंतु कुछ लोगों के स्वार्थ हित के कारण यह संभव नहीं हो पाया। अब समय की जरूरत को समझते हुए वर्तमान सरकार ने यह संभव कर दिया है। मैम, अब वहाँ क्या क्या परिवर्तन होंगे? अब वहाँ अलग झंडा नहीं होगा, मतलब वहाँ भी तिरंगा शान से लहराएगा। भारत का संविधान लागू होगा। अन्य राज्यों के लोग वहाँ जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और आपको पता है, अब भारत के 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। भारत अब पूर्ण संगठित देश है। तो क्या जम्मू कश्मीर की सारी समस्याएं अब हल हो जाएंगी? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या हालात सामान्य हो जाएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर तो समय ही दे पाएगा, परंतु
ये अपेक्षा की जा सकती है कि कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे, जैसे व्यापार का बढ़ना, पर्यटन में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आदि। क्योंकि आजादी के बाद से 72 सालों से जब तक यह आर्टिकल लगा रहा, कश्मीर की स्थिति बद से बदतर होती चली गई।